और चलिए इसी बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये जो अभी है आपका प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कोई मायने नहीं इनका। आप एमएसपी दे पा रही रहे हैं, पहले यही मंडिया थी, यही किसान थे, इतना ही अनाज पैदा होता था, अनाज पैदा करते ही किसान सीधा मंडी में आता था और उसको एमएसपी मिलती थी। अब ये वो वेट करेगा, पोर्टल पे उसका नंबर आएगा, पोर्टल पे कोशिश करेगा, इतने पोर्टल फेल, पोर्टल नहीं चलते इनके। और ये ई ऑक्शनिंग जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने केस बता गए हैं कि ई ऑक्शनिंग का क्या है, हर चीज का, ठेकों का, सरपंचों का लगाई ऑक्शनिंग लगा दी थी इनने, उसका क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज की ऑक्शनिंग लगाई, आपने दे दिया होटल बंद, ये आपसे कम कर दे रहा है, होटल नहीं चले। तो इस प्रकार से बहुत में भ्रष्टाचार का, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये इसमें आया प्रॉपर्टी आईडी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, बता सकते हैं आप, बता साहब पूछ रहे हैं इनके म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन में क्या है, कमेटियों में क्या है, मैं बेमायने अब उसमें ला रहे हैं। हम संवाद चलाएंगे, समाधान निकालेंगे, समाधान लगा रहे हैं, समाधान में किनकी कंप्लेंट है, भाई पहले क्यों नहीं तुमने बात हमारी मानी, लोगों को इतना परेशानी रखा आपने। ये क्या मैं क्या परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, वो मतलब ही नहीं, डाटा कैसे ले सकते आप फैमिली का, ये भी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी है। तो इस प्रकार से कोई भी एक काम सराहनीय नहीं किया इन्होंने। बिजली का देख लो, बिजली हमारे टाइम में 4 करोड़ हमने 10 साल में पावर प्लांट लगाए, थर्मल पावर प्लांट, 1 मेगावाट पावर प्लांट सेंक्शन कराया और इसमें इजाफा किया, पानीपत में भी और इनमें भी हमने, इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा की। और अब 47 पैसे पर यूनिट सरचार्ज कर रहे हैं, किस नाम का कर रहे हो भाई तुम सरचार्ज, 1 यूनिट बनाई नहीं तुमने, किस नाम का सरचार्ज कर रहे हो, जो आज से 1.5 साल पहले बंद होना चाहिए था सरचार्ज, वो भी अब दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी बिजली के लिए ये कहते हैं बिजली हम दे रहे हैं, गाँव में हाहाकार मची हुई है, शहरों में भी इतना कट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हर उस पर परेशानी के उस पर हैं। अब पहलवान जो अपना हरियाणा जो है वो तो 3 ही बातों से जाना जाता था पूरे देश में, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। आपने जवान की आदत देख लो, अग्निवीर ले गए, किसी फौज ने कही नहीं, कोई और कहा नहीं, किसी की डिमांड नहीं, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से किसान का मैं बता चुका, कर्जे में डूबा जा रहा है, जो 2014 में किसान पूरे देश के किसान में कर्जा था, आज कम से कम 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्यों, लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी पॉलिसी थी वो छोड़कर अब हमारी जो पहलवान खिलाड़ियां बेटियां पूरे दुनिया में जिन्होंने नाम हमारा गौरव किया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या शुरू हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो आप किसी भी वर्ग को देखो, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, एक के बाद एक घोटाला किया है, घोटाला कभी इसका रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान का घोटाला, माइनिंग का घोटाला, इतना भारी घोटाला कि हमारी जो यमुना नहर है उसका रास्ता ही बदल गया, इतनी जबरदस्त मतलब उसमें घोटाला है। और कई बार संज्ञान भी लिया गया, डाटम में हम भी गए थे जब किस प्रकार से वहां किया गया था, वहां पे हुआ, आप कहीं भी देखो घोटाला घोटाला। तो नटशेल में यही है कि ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है और जितनी भी इन्होंने घोषणाएं कही
ये हर बात पे यू टर्न लेते जा रहे हैं, यू टर्न गवर्नमेंट है कोई भी लोग। अब शुरू किया इन्होंने हमारा, जैसे प्रॉपर्टी आईडी में बताया, तो एक बात तो मान ली ना इन्होंने, एक बात तो मान ली, जो पिछली सरकार रही हिसाब से बने वो विफल सरकार थी, गलत फैसले थे जो हम ये ठीक करें। ये सिर्फ चुनाव को देख ली हुई है, चुनाव ही देख के ये बात कह रही है, बात फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है। इनकी भी वैसी कार्रवाई है, कार्यशैली है जैसे पहले थी, कोई जनहित की कोई फैसले इस सरकार में लेने की क्षमता ही नहीं है। कर्जा, कर्जे में जैसे मैं कहा, जो 2014 में कर्जा 70,000 करोड़ के करीब था मेरे ख्याल में, आज वो 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ के आ गया। भाई किया क्या है ये सवाल है। इन्होंने कोई पावर प्लांट लगाया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगाए? हमारे समय में थ्रू आउट हरियाणा, आप यहां से देख लो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हमने सेंक्शन करवाई, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर पंचकुला में, और कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक अहमदाबाद में, दूसरा यहाँ था। फिर आपका करनाल में हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, वहां पर निफ्टम राई में, निफ्टम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का हमने काम किया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, मेडिकल कॉलेज बनाया, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT की एक्सटेंशन आई। आप इसी प्रकार से फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, YMCA के नाम से छोटी सी थी उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का शुरुआत करने का हमने काम किया, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने, जज्जर में एम्स लेके आए और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आए, रोहतक में IIM लेके आए, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किया, जींद में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, ये अपना इसकी एनिमल साइंसेस की, और सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया। कोई भी आप देखो थ्रू आउट एजुकेशन का हब बनाने के हमने प्रयास किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बता दिया, बनते ही ये कहा था कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है रोहतक करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे फुल स्केल पे, वो भी नहीं आई, अभी उसका भी पूरी बिल्डिंग नहीं हुई। आप कहीं भी देखो इनका कोई भी, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा था शुरू में बनाएंगे, वो आज बताते हैं कोई वो हुआ है 10 साल के बाद, हमने 9.5 साल में इतने बनाए, इनकी 9.5 साल में, एक कोई आपने बताया परफॉर्मेंस, भाई हमने ये यूनिवर्सिटी अमान्य कर दी UGC ने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय अमान्य कर दी। तो भाई मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजली के लिए या कोई रेलवे लाइन एक इंच बढ़ाई हो, नई सेंक्शन कराई हो, एक नया मेट्रो का वो लगाया हो, और एक भी हम लेके आए मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, ये एक इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कोई तो एक काम बताए। और आपके सबका मेरे ओपन क्वेश्चन, आप तो मेरे से सवाल पूछोगे ही, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में कोई एक काम इनके अचीवमेंट का तो आप जरूर बताएं मेरे को भाई, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूं। तो 9.5 साल में ये इंस्टीट्यूशन बनाए इन्होंने, ये क्या नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं वो सारे हमारे समय के सेंक्शन हैं, यहाँ तो मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट है ये देश में, मैं नहीं समझता और कोई गवर्नमेंट होगी जिसका नेशनल हाईवे सेंक्शन हुआ हो, हमारे समय में सेंक्शन हुआ हो, जो यात्रा मेरठ से राजस्थान तक जाता है सांपला के ऊपर से, ये मेरे पास दोनों लेटर हैं, हमारे टाइम में सेंक्शन हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, वो फिर ऊपर से गडकरी जी ने ये लिखा अच्छा नहीं चाहिए तो 1,000 करोड़ रुपये दे दो हमारे को, जब वो जाके बना। ये पहली सरकार है
पूरे देश में जिसने नहर की खुदी खुदाई हटवा दी हो, दादूपुर नलवी नहर जो आज इतनी समस्या, जो इलाका आज सोना पैदा कर रहा है, वो आज से 20 साल के बाद इतना वाटर टेबल इतने चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वहाँ अनाज ही पैदा नहीं होगा। उसके लिए दादूपुर नलवी नहर खोदने का कहता ताकि वाटर टेबल ऊपर आ सके, यमुना का जो सरप्लस पानी वह हमारे इस्तेमाल आ सके, वो हटवा दी। कोई भी मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, कोई ये काम कर रहा किसी भी फ्रंट पे, तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस। और मेरा आपसे यही है कि आप सब स्तंभ हो, हमारे लोगों की आवाज हो, तो जिसका जो ड्यू है वो जरूर आपको देना चाहिए। जो ड्यू है बताओ, आपसे पूछ लूंगा मैं भाई, कोई इनकी अचीवमेंट बता दो। तो ये है, मैं आपसे समझ, आपके सवाल जो होंगे उनको भी सारे जवाब दूंगा मैं, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाकी तो बातें तो और बहुत है, कितनी लंबी बात कर लो, कितने सब्जेक्ट उठा लो आप, लेकिन मोटी मोटी ये बातें हैं कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, ये हरियाणा में अब 4.5 साल तक ये गठबंधन चलता रहा। अब कह रहे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, 4.5 साल क्या करते रहे। ये गठबंधन कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में था, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्ध किया और चले गए। थैंक यू मोटा जी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन नवीन अग्रवाल जी, बहुत पर्ची भेजेंगे अपना, जिन्होंने पर्ची में भेज देना। नवीन अग्रवाल साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी हमारी कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी जो अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना, सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है। हुड्डा की ओर से कहा गया प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है, घोषणाएं पूरी नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई। हम जो कहते हैं ये लोग कॉपी करते हैं, हुड्डा की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और बड़ा निशाना साधा गया। हम जो कहते हैं ये लोग वो कॉपी करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर ये बात कहकर निशाना साधा है। सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है, ये कहते हुए तमाम चीज़ें भूपेंद्र हुड्डा की ओर से गिनाई गई, जैसे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ये दावा उनकी ओर से किया गया। घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं, ये दावा उनकी ओर से किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं ये लोग कॉपी करते हैं। तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। सरकार की ओर से कितनी बातें पूरी की गई हैं और कितने जो वादे हैं वो अभी तक अधूरे हैं, वो तमाम बातें उन्होंने कही। वो मिस्टर विकास की फाइल